22 नवंबर से पर्थ में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:50 पर शुरू होगा मुकाबला। अब स्टेडियम में दूसरी बार टेस्ट खेलने उतरेगी टीम इंडिया। 2018 में भारत ने पर्थ में खेला था आखिरी टेस्ट मैच, विराट कोहली की कप्तानी में 146 रनों से टीम इंडिया को मिली थी शिकस्त। पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे जसप्रीत बुमराह ने मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को दी चेतावनी, कहा पहले टेस्ट की लड़ाई के लिए हम तैयार, युवा टीम देगी करारा जवाब। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली को मिला कप्तान बुमराह का साथ, कहा विराट की कप्तानी में किया अपना डेब्यू, विराट एक महान कप्तान, ऑस्ट्रेलिया में बल्ले से करेंगे धमाका। कप्तानी से जुड़े सवाल पर जसप्रीत बुमराह का बड़ा बयान, बोले विराट रोहित से अलग है मेरी कप्तानी, मुझे जिम्मेदारी लेना पसंद, मुश्किल वक्त पर ले सकता हूं सही फैसले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद शमी पर भी बोले बुमराह, कहा शमी भाई पर टीम मैनेजमेंट की कड़ी नजर, सब कुछ ठीक रहा तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दिखेगा शमी की गेंदबाजी का जादू। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत के खिलाफ सीरीज टक्कर वाली रहेगी, पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत को करारा जवाब देगी। पैट कमिंस बोले हमेशा अपने देश में खेलने का प्रेशर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना हमारा मकसद, हम बहुत आगे की प्लानिंग नहीं कर रहे। केएल राहुल को लेकर चेतेश्वर पुजारा ने कही बड़ी बात, एक इंटरव्यू में कहा केएल राहुल से नहीं कराऊंगा ओपनिंग, नंबर 3 पर केएल राहुल अच्छा ऑप्शन। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा ने भविष्यवाणी की, कहा ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी, बैटिंग बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया मजबूत, लेकिन भारत जीत सकता है सीरीज। टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने ऋषभ पंत को बताया स्पेशल प्लेयर, कहा पंत ने टेस्ट क्रिकेट को बदला नहीं, खेलने दी एमएस धोनी की कमी। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के नाम, 38 मैच में 2693 रन, ऑस्ट्रेलिया 7 मैचों की 12 पारियों में बनाए 624 रन, ऑस्ट्रेलियन पंत के नाम 1 शतक 2 अर्धशतक। यशस्वी जायसवाल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर कई बड़ी बात, बोले रोहित विराट मेरे बड़े भाई जैसे, उनके साथ सीखी क्रिकेट की बारीकियां, युवा खिलाड़ियों के रोल मॉडल है रोहित विराट। टेस्ट फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार चुनौती पेश करेंगे यशस्वी जायसवाल, 14 टेस्ट की 26 पारियों में यशस्वी के नाम 1407 रन, 3 शतक और 8 अर्धशतक भी खाते में दर्ज। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर को आईपीएल के लिए दी हरी झंडी, बीसीसीआई ईसीबी और खिलाड़ियों के एजेंट्स के बीच बातचीत के बाद सुलझा मामला। जोफ्रा आर्चर की वाइल्ड कार्ड के जरिए लग सकती है आईपीएल ऑक्शन में बोली, ऑक्शन के फाइनलिस्ट में आया नाम 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दाह में आईपीएल ऑक्शन। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच खेली जाएगी तो मैचों की टेस्ट सीरीज, 22 नवंबर से एंटीगुआ में खेला जाएगा पहला टेस्ट। घरेलू टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से मिले हार के बाद जीत के इंतजार में वेस्टइंडीज टीम, क्रेग ब्रेथवेट की कप्तानी में जीत की पटरी पर लौटने को बेताब। 24 नवंबर को टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे कप्तान रोहित शर्मा, रिपोर्ट्स के मुताबिक पर टेस्ट के बीच में टीम से जुड़ेंगे रोहित, दूसरी बार पिता बनने की वजह से पहले टेस्ट से मनाई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रोहित संभालेंगे टीम इंडिया की कमान, एडिलेड में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मैच।